अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। कल रात हमने अरसलान की बर्थडे सेलिब्रेट की, देवरानी आई थी और माहम तो फिर हमारे घर ही रुक गई हैं और आज भी हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए कि बेटे के ससुराल वाले आ रहे हैं। तो जल्दी से हम नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ते के बाद फिर सारे काम अपने स्टार्ट करेंगे। और नाश्ते में तो एज यूजुअल माहम का फेवरेट खारज बन रहा है, इसलिए कि माहम जब होती है तो वो खारज ही खाती हैं, उसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं खाना होता है। खारज, चाय, पराठा सब कुछ रेडी है, तो अब हम नाश्ता करते हैं। फेवरेट अंडे का खारज। कालू भाई, कालू कालू, गेम्स स्टार्ट हो गया तुम्हारा? ये सारे डॉल्स तो नहीं है, तीन घर पे हैं, तीन और डॉल्स है वो घर पे हैं। उसकी शक्ल मैं दिखा बहुत कर, ये आठ डॉल्स तो तीन चार पाँच छः डॉल्स है और तीन घर पे हैं। और बलून्स का इमाम ये वाले, एक और मेरे रूम में पड़े हैं। बता रहे थे घर के सारे काम तो हो गए हैं, सिर्फ खाने की तैयारी रह गई है। और खाने में आज बन रही है बिरयानी, कोरमा। यहाँ पर माहम को भूख लग गई है और मुझे कह रही कि फ्राइज बना के दें, तो मैं जा रही हूँ किचन में माहम के लिए फ्राइज बनाने। माहम के फ्राइज रेडी हो गए हैं, वो बहुत खुश हो रही हैं क्योंकि उनके तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं फ्राइज। बहू रात के खाने की तैयारी कर रही हैं, इसलिए कि वो लोग जल्दी आएंगे, हमें रेडी भी होना है। बहू ने बनाया है बीफ कोरमा पुलाव और मीठे में बनाया है शीर कोरमा, जो कि डीप फ्रीजर में ठंडा करने रखा है। सैलेड भी बना ली है और सारा खाना रेडी हो गया है। बहू की अम्मी, नानी और सिस्टर आ गई हैं और उनके साथ अनाबिया भी आई है, जिसको आपने मेरी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा। माहम की बहुत अच्छी फ्रेंड है और आते ही दोनों के खेल स्टार्ट हो गए। बच्चों को तो मौका चाहिए होता है खेलने का, जितना भी टाइम मिल जाए वो बस खेलते रहते हैं और फिर रात में थक हार के सो जाते हैं। माहम का भी यही हाल है, जब छोटू रैयान आते हैं तो उनके साथ भी इसी तरह खेलती रहती हैं। आज हम रैयान को नहीं बुला सके, इसलिए कि रैयान तो बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल, उनके पेपर्स हो रहे हैं। गैस चली जाएगी, गैस का इशू, इसलिए हमने खाना पहले निकाल लिया है। उसके बाद हम कॉफ़ी वगैरह पी के फिर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ताकि हमें कोई टेंशन ना हो। बच्चों को भी खाना खाने बुलाया है, वरना वो तो खेल में इतने मगन थे। कॉफी नहीं बनाई है, सबने कहा कि चाय पियेंगे तो चाय बनाई है। और गैस की वजह से तो बहुत टाइम टेबल से चलना पड़ता है, चाय या कॉफी पहले रेडी करनी पड़ती है, वरना तो फिर गैस अपने टाइम पे चली जाती है। और हमारी चाय भी रेडी हो गई है, खाना चाय सब चीजों से पारे हो गए हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और यह है इतना प्यारा सा केक, मुझे तो बहुत पसंद आया ये केक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलो एनी। अरसलान के पापा उसे केक खिला रहे हैं। अब बहू की नानी आई है केक खिलाने के लिए। जंगल में
भाइयों का। सही से खड़ी हो, भाई के पास खड़ी हो, जाओ तुम बिंदिया चली जाओ वहां पे, दोनों का हाथ रख ले। इन लोग की पहले है ना, पहले की एक तस्वीर ऐसे ही है। हाँ अब बहू की अम्मी गिफ्ट दे रही हैं जो अरसलान के लिए वो लेकर आई हैं। केक बच्चों बड़ों सबने खा लिया है और सबको बहुत पसंद आया है, और इसके ऊपर से सारी चीज़ें गायब हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ गई, तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल कर ट्रे में रख ली हैं। केक खाने के बाद बच्चों के गेम्स फिर से स्टार्ट हो गए। क्या कर रही हो नाबिया? हैं? माम के पास माशाल्लाह बहुत सारे टॉयज हैं, यहाँ पे भी हैं और उसके अपने घर पे भी हैं, लेकिन जब भी वो हमारे साथ बाजार जाती है ना, तो उनको टॉयज ही लेने होते हैं, या तो डॉल लेनी होती है या किचन सेट, कुछ ना कुछ लेना ज़रूर होता है। और इस तरह उनके पास काफ़ी सारे टॉयज हो गए। अभी भी उन्होंने पहले से ही कह दिया है कि जब छुट्टियों में वो हमारे पास रहने आएंगी तो उन्हें जाना है चेज़, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेनी है, टॉयज लेनी है। उनका तो दिल ही नहीं भरता टॉयज से। माशाल्लाह से बहुत सारी डॉल्स भी हैं। इधर देखो ना भी, मामी इधर देखो। अब हो गया शीरखुरमा खाने का टाइम, और शीरखुरमा बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। बहू की अम्मी वगैरह ठंडा शीरखुरमा खाते हैं, और हमारे घर तो गर्म खाया जाता है। नहीं क्या हो गया? तुम लोग भी तो फाड़ो। मुझे खाना नहीं। पिन से फाड़ लो, पिन से। आज तो ना डर डर के तो हो गया। देखो नाबिया को देखो, ते प्यार से फाड़ दे। चलो अनाबिया तुम्हारी बारी, दो छोड़ना दो। चलो एक, ये दोनों हमारे से। अल्लाह महाम, लो खुद ही फट गया वो शर्मिंदगी में। ये लास्ट से तुम वो छोटा वाला फाड़ो ना। कौन सा छोटा? लो अभी दो हम। जल्दी जल्दी खेलो यार, जाने का टाइम हो जाएगा। और अब बहू की अम्मी घर जा रही हैं, इनको अल्लाह हाफिज करते हैं। चलो अल्लाह हाफिज। कब आओगी अब? ईजान को लाना है। चलो कपड़े दे दे। आ, क्या क्या फरमा रही हैं आप? मैम इनके साथ बैठ जाओ, इनकी बहन लगोगी ब्लैक कपड़ों में। कैटू उधर बैठ जाओ जाके। ये आ गई छोटी कैटू, मैम कैटू आ गई। मैम कैटू कालू को अब उसका मिशन शुरू हो गया कि ये कैसे करूं, इसको कैसे निकालूं, दे दो निकाल के उसको। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को भी एंड करती हूँ।
आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें।